कुल्लू जिला के मनाली की भालीन पंचायत की महिलाओं को इन दिनों ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बिच्छू बूटी से कपड़ा बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर उत्तराखंड बांस व रेशा विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। परिषद के फील्ड अधिकारी सोहन सिंह ने बताया कि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली बिच्छू बूटी के फाइबर से उच्च गुणवत्ता का कपड़ा बनेगा जो इको फ्रेंडली होगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है जहाँ तक हो पाए कपड़ा बनाने तक का प्रशिक्षण इन लोगों को देंगे। हम पहले इसको कलेक्शन कर रहे हैं, अभी स्टिक कलेक्शन के बाद इसका फाइबर निकाल रहे हैं। फाइबर निकालने के बाद इसको जो है फिर डिगमिंग करेंगे, वॉशिंग करने के बाद इसको फिर सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसको कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद इसको कार्डिंग करेंगे। कार्डिंग मशीन कार्ड करने के बाद इसको हम लोगों को महिलाओं को वितरण कर देंगे कि आप इस पर स्पिनिंग करें, कताई करें। कताई के बाद इसका जो है फिर वो लगा के लूम पे ताना लगा के इसकी बुनाई का कार्यक्रम करेंगे। इसमें कोट का कपड़ा बनेगा, इसमें स्टॉल बनेंगे और इसमें जो है कुछ हो सकता है हमसे बैग बुक का भी प्रयास कर रहे हैं, जो सिंगल लेडीज बैग, जेंट्स बैग टाइप का जो मार्केटिंग बैग होता है उस तरह की भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाए। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि बिच्छू बूटी से बनने वाले उत्पादों से उन्हें अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। प्रशिक्षण है ये बिच्छू बूटी का कपड़ा बनाने का है, पर इसकी सोच हमारे मन में तब आई, हम इससे पहले बिच्छू बूटी की चाय भी बनाते हैं। जो बिच्छू बूटी की चाय है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिससे किसी का खून अगर गाढ़ा हो जाता है तो उसको पतला करने का काम करता है। तो उसकी चाय भी हमारी पिछले 2 सालों से कंटिन्यू हम इसको बेच रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पर उसकी सेल होती है। तो उसी के साथ हमने ये सोचा था कि क्यों ना आसपास जो अवेलेबल चीज़ें हैं, तो अवेलेबल चीज़ों में हमारे यहाँ बिच्छू बूटी जो है ये बहुत ज़्यादा मिलती है। जो आज कपड़ा बन रहा है वो जरान जो होती है बिच्छू बूटी की ही एक किस्म है। सर इससे फायदा ये है कि एक तो आजकल जब ऑर्गेनिक का जमाना है तो कपड़ा भी ऑर्गेनिक ही सब पहनेंगे और यूज करेंगे, और महिलाओं को घर बैठे बैठे उनको काम करना है अपने घर में ही, सबके घर में खड्डियां लगी हुई होती है, वो बुनते तो ऐसे भी पहले से ही है, पर जब ये इस तरह से नई चीजों को बनाएंगे तो उसकी सेल भी अच्छी होगी और उनके प्राइस उनको अच्छे होंगे।